आप देख रहे हैं खबरों का नया पैमाना, भोजपुर का अपना चैनल भोजपुर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली। आप देख रहे हैं भोजपुर की आवाज न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। मुख्यमंत्री ने कहा, आज अपने बेरोजगार बेटा बेटियों के लिए एक नई योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, गरीब से गरीब मतलब जो ज्यादा परेशानी की योजना क्लिक हो सके, सीखो और कमाओ योजना। इस योजना के अंतर्गत 12वीं पास जो ITI किया है, वह बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वो सारे के सारे इस योजना के लिए पात्र होंगे। हमने अलग अलग रहकर कई काम किए हैं, लगभग 700 काम, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, सीनियर मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, ट्रैवल और अस्पताल, ITI, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का क्षेत्र, बैंकिंग, बीमा, लेखा, चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य वित्तीय सेवाएं संबंधी काम बच्चों को काम सिखाए जाएंगे। इंडस्ट्रीज, उद्योग, MSME उद्योग या अन्य सर्विस सेक्टर, इनमें 700 काम अलग अलग सिखाए जाएंगे और काम किसी प्राइवेट फैक्ट्री इंस्टीट्यूशन को लेकर काम सीखने के बदले हम बच्चों को पैसा देंगे और GBT के माध्यम से यह पैसा उनके खातों में जाएगा। अभी हमारा पोर्टल बन रहा है, 7 जून से जिन प्रतिष्ठानों को ऐसे बच्चों को काम सिखाना है उनका पंजीयन प्रारंभ हो जाएगा। 15 जून से हम युवाओं के पंजीयन प्रारंभ कर देंगे और 31 जुलाई से युवा प्रतिष्ठान जहां वो काम करेंगे और मध्य प्रदेश शासन के बीच ऑनलाइन अनुबंध हो जाएगा। 1 अगस्त से बच्चे काम करना प्रारंभ कर देंगे, उसके बदले में उनको यह राशि 1 महीने जैसे वह काम कर लेंगे मिलना प्रारंभ हो जाएगी। रोजगार की दृष्टि से मध्य प्रदेश सरकार अनेकों प्रयास कर रही है। आप जानते हैं 1,00,000 पदों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, 60,000 से ज्यादा भर्तियां हो गई हैं, 40,000 भी जल्दी हो जाएंगी। 15 अगस्त तक 1,00,000 भर्तियां कंप्लीट हो जाएंगी। आज मैंने निर्देश दिया कहां कहां शासकीय सेवा में भर्ती की गुंजाइश है उसका भी परीक्षण करके 15 अगस्त के बाद भी भर्ती की प्रक्रिया चालू रहेगी। दूसरा, स्वरोजगार के प्रयास हमारे निरंतर चल रहे हैं। आप सभी जानते हैं हर महीने हम रोजगार दिवस करते हैं और उस दिन लगभग 2,50,000 नौजवानों को स्वरोजगार के लिए लोन, जिसकी गारंटी सरकार लेती है और ब्याज का अनुदान भी देती है, तो स्वरोजगार के माध्यम से भी रोजगार के अवसर पैदा करने का हमारा प्रयास चल रहा है। अभी हमारा पोर्टल बन रहा है, 7 जून से जिन प्रतिष्ठानों को ऐसे बच्चों को काम सिखाना है उनका पंजीयन प्रारंभ हो जाएगा। 15 जून से हम युवाओं का पंजीयन रजिस्ट्रेशन का काम प्रारंभ कर देंगे। 15 जुलाई से प्लेसमेंट उनका मार्केट में प्रारंभ हो जाएगा और 31 जुलाई से युवा प्रतिष्ठान जहां वो काम करेंगे और मध्यप्रदेश शासन उसके बीच अनुबंध हो जाएगा, ऑनलाइन होगा ये, और 1 अगस्त से बच्चे काम करना प्रारंभ कर देंगे और उसके बदले में उनको ये राशि 1 महीना जैसे ही काम करेंगे मिलना प्रारंभ हो जाएगी। रोजगार की दृष्टि से मध्य प्रदेश सरकार अनेकों प्रयास कर रही है। आप जानते हैं 1,00,000 पदों की भर्ती की प्रोसेस चल रही है, 60,000 से ज़्यादा हो गई है, 40,000 भी जल्दी हो जाएगी, 15 अगस्त तक 1,00,000 भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। मैंने आज फिर निर्देश दिया कि और कहाँ कहाँ गुंजाइश है भर्ती की शासकीय सेवा में, उसका भी परीक्षण करके 15 अगस्त के बाद भी भर्ती की प्रक्रिया चालू रहेगी 1,00,000 के अलावा। दूसरा, स्वरोजगार के प्रयास हमारे निरंतर चल रहे हैं। आप सब जानते हैं हर महीने हम रोजगार दिवस करते हैं और उस दिन लगभग 2,50,000 नौजवानों को स्वरोजगार के लिए लोन, जिनमें से गारंटी सरकार लेती है और ब्याज का अनुदान भी देती है, तो स्वरोजगार के माध्यम से भी रोजगार के अवसर पैदा करने का हमारा प्रयास चल रहा है। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स जानने के लिए बने रहे भोजपुर की आवाज न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं खबरों का नया पैमाना, भोजपुर का अपना चैनल भोजपुर।